यह जो बंदर आप देख रहे हैं 1500 वोल्ट के तार से चिपक कर 20 फीट की ऊंचाई से गिर गया, मगर उसके बाद जो हुआ वह कोई चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल हमें रेस्क्यू लाइन पे एक कॉल आया। एक लड़के ने घबराए हुए आवाज़ में बताया कि उसने एक बंदर देखा है जो कि बिजली के तार पे लटक रहा था, पर उसी बीच उसे करंट का झटका लगा और झटका लगते ही वो बीचों बीच रोड पे धड़ाम से गिर गया। उस लड़के ने पालमपुर के आसपास रेस्क्यू और एनजीओ में कॉल किया, पर संडे होने के कारण सब छुट्टी पे थे और तड़पते हुए बंदर की मदद करने कोई नहीं आया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमने फौरन ही पालमपुर निकलने का फैसला लिया, जो हमारे दायरे से बहुत बाहर था। अभी बोला गया है फोन पे कि वो कॉन्शियस है थोड़ा थोड़ा, तो देखना पड़ेगा कि क्या हालत है, किस हालत में है। तो पालमपुर में है और पालमपुर में बारिश भी हुई है तो थोड़ी ठंड भी ज्यादा है। जब हम घटना स्थल पर पहुंचे तो बंदर सड़क किनारे पड़ा हुआ था। फिर हमने लोगों से माहौल का जायजा लिया। जा रहा था कहां पे बता दो, ये जो ऊपर से ये जो है ऊपर वाले कौन सा, आप बता सकते कौन, यहां से पोल में गया। हां वो जो बीच वाले सेंटर जो है, हां यहां से मार लगा इसको, झटका लगा और सीधा बीच में यहां बड़ा सेंटर, यहां पे रोड पे भी रोड में। जब हम उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो बंदर हमें देखते ही भागने की बजाय नजदीक के एक बाथरूम में जा छुपा। वैसे तो बंदर बहुत ही फुर्तीले होते हैं, पर उसके बर्ताव को देखकर पता लग रहा था कि वो अपने पूरे होशो हवास में नहीं है। शौक में होने की वजह से उसे पकड़ना हमारे लिए उतना मुश्किल नहीं था, फिर भी अपने थोड़े से होशो हवास में वो हमसे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। हाई वोल्ट बिजली लगने की वजह से उसके हाथ जलकर सिकुड़ गए थे। जब हम उसे रेस्क्यू कर पीपल फार्म क्लिनिक पर लेकर आए तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। 1500 वोल्ट का झटका लगने के बावजूद भी उसका जिंदा रहना चमत्कार से कोई कम नहीं था। डॉक्टर्स ने तुरंत ही उसे पेन किलर्स पर रख के ड्रिप लगाने का फैसला लिया। एक्चुअली जब भी किसी को करंट लगता है तो बॉडी का पूरा पानी सूख जाता है, जिससे खून गाढ़ा हो जाता है और खून का बहाव दिमाग और दिल में जाना बंद हो जाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने से चंद सेकंड्स में मौत हो सकती है। अपने होशो हवास में न होने के कारण वह कुछ खा पी भी नहीं रहा था। हम चिंता में थे कि उसकी हालत और ना खराब हो जाए। वह लगातार डॉक्टर्स की देखरेख में हैं और इसके अपडेट के लिए पीपल फार्म को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे लोग हैं जो आते जाते कई बेजुबानों को कष्ट में देखते हैं, पर बिना मदद किए आगे बढ़ जाते हैं। वो तो भला हो इस 20 साल के नौजवान का, जिसने इंसान और जानवर के जान में भेदभाव नहीं किया और इस घायल बंदर की जान बचाने का जिम्मा उठाया। उज्ज्वल भारत के ऐसे नौजवानों को पीपल फार्म का सलाम।